गाइस, अगर आपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया है ऑनलाइन और आप उसे चेक करना चाहते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, क्या वो अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे क्या वो उसके एक्सेप्टेड हुआ कि नहीं हुआ, तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से उसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप खुद से ही वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी अगर आप। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वोटर आईडी बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो जिससे मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऐप को मैं सबसे ऊपर पहले ओपन कर लेता हूँ। ईजिली ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से है, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। तो गाइस, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए देखिए, यहाँ पे 3 डॉट्स है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी आईडी और पासवर्ड आप बना लीजिएगा। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिएगा और उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं, मैंने लॉगिन कर लिया है अपने नंबर से और उसके बाद यहाँ पर ओटीपी, यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ तो ओटीपी भी यहाँ पर आ चुका है और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपके सामने लाइव यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ही जाना है, आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और आपको सबसे ऊपर ही एक लिंक मिल जाएगी, ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म। तो यहाँ पे चेक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंटर यहाँ पर रेफरेंस आईडी यहाँ पे मिल जाती है जब भी आप कहीं सबमिट करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेफरेंस आईडी आपको कहाँ पे मिली थी, तो वो रेफरेंस आईडी को आपको लिख लेना है कहीं से, क्योंकि वहाँ से कॉपी नहीं हो रहा था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मेरा स्टेट्स है मध्य प्रदेश, तो मैं यहाँ पे से मध्य प्रदेश को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, मेरा रेफरेंस नंबर के लिख के आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने कब सबमिट किया था ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं ग्रीन कलर का। तो 11/5/2024 को मैंने यहाँ पर सबमिट किया था और यहाँ पर देख सकते हैं BLO अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे 22/5/2024 को ये हुआ था, 22 तारीख को हुआ था गाइस। पर अभी भी देख सकते हैं फेल्ड वेरिफिकेशन और एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन, अभी ये दोनों प्रोसेस अभी बचे हुए हैं। तो मतलब देखते हैं कब तक की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की प्रोसेस होती हैं, तो ये कब तक मेरा एक्सेप्टेड होता है कि नहीं है। तो आप इस प्रकार से ईजिली आप अपना खुद का चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं हुआ। तो गाइस देख सकते हैं ये चारों ग्रीन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका फॉर्म जो है, जो आपने सबमिट किए हैं सारी चीज़ें, तो सारी चेक होती हैं वहाँ पर। तो अगर आपने सही सही जानकारी दी है तो आपका यहाँ पे से सारी चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी। और अगर बाय चांस आपका नहीं होता है, मतलब आपका वोटर आईडी इससे नहीं बन पाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो आपको फिर से जो भी आपने गलती की है उसको सुधार करना होगा। तो ईजिली इस प्रकार से आप अपना चेक कर सकते हैं। आई होप यू वीडियो लाइक इट, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।